अदब, तहजीब और नफासत का शहर लखनऊ उस राज्य की राजधानी है जो देश की चुनावी राजनीति में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। यहाँ ना तो बॉलीवुड के सितारों का जादू चलता है और ना ही किसी बड़े नाम पर भरोसा करने का चलन है। पिछले कुछ चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो लखनऊ के वोटरों की चुनावी नब्ज भाप सकते हैं। नवाबों के इस खूबसूरत शहर पर पिछले 28 साल से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार लखनऊ की जनता को लुभा पाएंगे फिल्मी सितारे और बड़े नाम। आखिर लखनऊ सीट पर कितनी मुश्किल है बीजेपी की राहें। दरअसल 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 के लोकसभा चुनावों में इस सीट से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी विजयी रहे थे। 2009 में यहां से लालजी टंडन जीते और 2014 में राजनाथ सिंह इस सीट से भारी मतों से जीते। एक बार फिर इस सीट से राजनाथ सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अभी तक किसी अन्य पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया, लेकिन इस बार यहां से पूर्व बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को गठबंधन उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। वैसे ये भी सच है कि लखनऊ के लोग किसी सेलिब्रिटी उम्मीदवार पर दाव लगाना पसंद नहीं करते हैं। इस कतार में कई फिल्मकारों, मशहूर वकील राम जेठमलानी, दिग्गज नेता डॉक्टर कर्ण सिंह जैसे नाम लिए जा सकते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी को मैदान में उतारा था, लेकिन लखनऊ ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। जावेद की जमानत जब्त हो गई। इसी तरह 2009 में नफीसा अली एसपी की टिकट पर चुनाव में उतरी, लेकिन लोगों ने अटल जी की खड़ाव लेकर उतरे बीजेपी के लालजी टंडन पर भरोसा जताया। अगर 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अटल के खिलाफ उतरे, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 1999 में भी कहानी कुछ जुदा नहीं थी। कश्मीर के राजशाही घराने के दिग्गज कांग्रेसी डॉक्टर कर्ण सिंह चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी जीत नसीब नहीं हुई। 1998 में एसपी के टिकट पर चुनाव लड़े मुजफ्फर अली के सिर भी जीत का सेहरा नहीं बंधा। इससे पहले 1996 के चुनाव में भी लखनऊ की जनता ने राजबब्बर के चुनावी इरादों पर पानी फेर दिया था। वो एसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि मजेदार बात तो ये है कि इस सीट पर अटल को 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त भी खानी पड़ी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर ये परंपरा कायम रहती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।